What's up, people? This side is Chirag, and we are off to your last thing which I wanted to discuss with you. That was the practical questions. Again, practical questions, आप लोगों को मुझे बताना है very clearly that आपके institute ने कहीं ऐसा नहीं है कि आपके module के अंदर कोई अलग से 20 practical questions दे रखे हैं जिसको अपन solve करें. As in when you guys know that security laws में आज से मतलब कुछ 2-3 साल पहले उन लोगों ने एक प्रैक्टिस डेवलप करी थी कि भैया अब हम लोग कोई कोई चीज़ों पर जहाँ पे न्यूमेरिकल्स फॉर्म हो सकते हैं वो रेलिवेंट कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स देते हैं. अब थैंकफुली फंडिंग के अंदर कंपेरेटिवली कम जगहों पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं. सो मेरे हिसाब से जो भी अभी मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाने वाला हूँ, जो भी अपने पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, दिस शुड बी नियरली अबाउट फॉर टू आवर्स, नॉट मोर देन दैट. बहुत ही छोटा सा डिस्कशन होगा, ऑन पॉइंट डिस्कशन होगा, बिकॉज ऑलरेडी प्रोविजन सारे आपको आते हैं. तो यार मतलब मेरा काम है कि आप लोग को बताना कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं. एंड इवन एनी वन अक्रॉस हु इज टीचिंग फंडिंग अराउंड, they would always do that, क्योंकि इससे ज़्यादा practical questions ऐसा तो है नहीं कि अपन कोई 50 practical questions solve कर लें तो it would make a difference. Practical questions कहीं से भी आ सकते हैं. I am making this very clear that practical question कहीं से भी आ सकते हैं, but एक चीज़ for sure है, जो चीज़ आपने पढ़ी है उसी में से आएंगे, ये बात एकदम लिखित है. अब practical questions मेरे हिसाब से जो मैंने jot down किए, जो मुझे दिखने में आए कि इस जगह पर practical question बन सकते हैं, मैं उसका सारा concept आपके साथ discuss कर देता हूँ. जहाँ institute ने उसमें छोटे मोटे numericals की बात करी है वहाँ पर numericals कर लेते हैं. अब मेरे हिसाब से जो मुझे सबसे बड़ा फॉर्म, जो सबसे बड़ी जगह जहां पे मुझे अच्छा अपन फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मैंने एक्चुअली आपका पूरा मॉड्यूल का एक 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 पेज देखा कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी चीज थी जहां अपन ने मिस कर दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है. तो वी वुड ट्राई कि मेरे हिसाब से जहां भी पॉसिबल हो उस हर जगह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अपन हिट करेंगे. ठीक है, अब समझना एक बात, अगर आपका प्रोफेशनल प्रोग्राम देखो तो इट्स वेरी स्मॉल सिलेबस. सबसे पहला है ICDR, सबसे पहला ICDR है, और मैं 99.99% श्योर हूं कि क्वेश्चन ICDR से ही आएगा. 99.99% श्योर हूं, एक ही क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल्स में और वो ICDR से ही आएगा. इसीलिए अपना ये जो मैं न्यूमेरिकल्स है इसको मैं दो पार्ट में बांट रहा हूं, 1-1 hour के दो लेक्चर्स रखेंगे, दैट्स इट एंड वी आर डन यार. तो जो पहला पार्ट है उसके अंदर मैं मेजरली पार्ट ए में से ICDR के ऊपर बात करना पसंद करूंगा, और आपको बताता हूं कि और कहां का क्वेश्चंस आ सकते हैं. दिस इज व्हाट जो मैंने एक्चुअली बैठ के मतलब अगर आप देखेंगे जो मुझे समझ में आ रहा था कि भाई क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैंने पूरे उसको जॉट डाउन करके आपके एक एक क्वेश्चन करके देखे कि भाई कहां कहां प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं. इफ आई एम विजिबल, सो दिस इज वेयर आई हैव डन. ठीक है, तो लेट्स सी, मेरे हिसाब से इन्हीं जगहों पे कहीं पे क्वेश्चंस रिवॉल्व करने चाहिए. चैप्टर वन में से एक क्वेश्चन आना चाहिए, वो ICDR है. अब पहले मैं आपको बता दूं कहां कहां से क्वेश्चन आने की संभावना ही नहीं है. पार्ट बी में क्वेश्चन बनने की संभावना ही नहीं है, पार्ट बी के अंदर कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है. उसमें मेरे हिसाब से इंटरनेशनल लिस्टिंग 15-20 नंबर और आपका जो इंडियन लिस्टिंग है वो 15-20 नंबर का आना चाहिए. दिस शुड बी द 40 मार्क्स. उन लोग के दिमाग में अगर वर्स्ट से वर्स्ट आ जाता है तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि ICDR से मिलता हुआ क्वेश्चन चैप्टर 15 के थ्रू हिट करेंगे कि IPO करने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है. जो आपको लगेगा कि भैया चैप्टर 15 तो बोला गया था सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस से, कैसे क्वेश्चन आ गया, बट उससे क्वेश्चन नहीं आएगा. क्वेश्चन ऊपर वाले पार्ट में से आएगा जिसमें वो लोग बोलेंगे इसका डॉक्यूमेंटेशन बता दो, तो ऐसा लगेगा जैसे कि चैप्टर 16 का पार्ट हो गया, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं होगा. अब उसके अलावा अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन कहां कहां बन सकते हैं, वेरी स्ट्रेट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन कहां कहां बन सकते हैं. चैप्टर 1 से क्वेश्चन आ सकता है, वी गोइंग टू गो थ्रू चैप्टर 1, मैंने एकदम पेज नंबर निकाल के रखेंगे अपने कहां कहां देखने. उसके बाद आप रीड के अंदर आते हो, रीड के अंदर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं. हाँ ऑफकोर्स, अब अगर मतलब आउट ऑफ द ब्लू जाके वो लोग कहीं पे भी कोई क्वेश्चन बना दे कि वो आपके सामने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिख दे और एंड में बोल दे कि वेदर डीलिस्टिंग ऑफ यूनिट्स इज पॉसिबल और नॉट, नाउ दिस कुड बी, दिस इज अ थ्योरी क्वेश्चन कि वो आपसे पूछा डीलिस्टिंग ऑफ यूनिट्स कब होती है कब नहीं होती है, तो आप अपने डायरेक्ट रिलेवेंट प्रोविजन पे जाओगे, सर वो डीलिस्टिंग की बात कर रहे थे, सर अगर वो 90% उन लोगों ने प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करी, सर अगर उन लोगों ने कंडीशंस पूरी नहीं करी, पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे, हाँ डीलिस्टिंग हो जाएगी. तो अब वहां पे जो आंसर है वो तो बहुत ही क्लियर है, उसमें मेरे को आपको प्रैक्टिकली कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है वो. सो रीड के अंदर कुछ नहीं आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ नहीं आएगा, इंडियन इक्विटी प्राइवेट फंडिंग के अंदर खाली AIF के रजिस्ट्रेशन है जहां पे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन की संभावना नहीं है. तो फर्स्ट चैप्टर में से आने की संभावना है, सेकंड थर्ड फोर्थ में से आने की कोई संभावना नहीं है. फिफ्थ, ये जो इंडियन इक्विटी नॉन फंड बेस्ड बोल रहे हैं तो इसके अंदर भी कहीं मुझे क्वेश्चन दिख नहीं रहा था, बट अगर वर्स्ट पार्ट करने की बात करें तो वो आपसे प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स में एक क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि वेदर बोनस इश्यू इज पॉसिबल और नॉट. तो अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां पे मुझे नहीं दिख रहा, मतलब यू से ना प्रैक्टिकली सॉल्विंग अ क्वेश्चन, नो दे आर गोइंग टू टेस्ट योर कंडीशंस जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है.
उसके बाद सिक्स और सेवन चैप्टर से मिला के मुझे एक कंसेप्ट मिला जहां पे मुझे क्वेश्चन दिख रहा है वो मैंने अगर आपको बताऊं तो अभी रिसेंटली आपका चैप्टर सिक्स पढ़ाते हुए मैंने आपको सिखाया भी था वो दैट डे काउंट कन्वेंशन, तो वो मेरे को एक क्वेश्चन लग रहा था कि डे काउंट कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो नाउ इफ यू सी पार्ट बी में से कुछ नहीं आएगा और वन टू सेवन में मैंने आपको बताया क्या क्या संभावना है। तो चैप्टर वन में सबसे ज्यादा संभावना है, उसके बाद सिक्स और सेवन में है संभावना। उसके बाद अब जो अपन पार्ट टू करेंगे उसके अंदर मैं आपसे एट से लेके ट्वेल्व तक के बीच में मुझे कहां कहां क्वेश्चन दिख रहे हैं वो बता दूंगा एंड वे डन विद इट। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये लेक्चर आप एक ही बार देखोगे और आपको रटा रहेगा। अच्छा आप देखो यहाँ पे जब अपन आगे आएंगे तो मैं आपको टंडन कमेटी, नायक कमेटी और इन सब के बारे में सब आराम से सिखाऊंगा, वो अपन आराम से बाद में बात करेंगे। बहुत ही सिंपल अच्छा मतलब ट्रस्ट मी ऑन दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत सिंपल होते हैं अगर आपका प्रोविजन क्लियर हो, और दोस्त प्रोविजन क्लियर नहीं है ना तो तोते उड़ नहीं है आपके, आप कुछ भी कर लो आपके तोते उड़ नहीं है ना। सबसे पहले अगर आप देखना तो अगर आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखो ICDR, मुझे आपका ICDR ही कम से कम 15 नंबर का आता हुआ दिखता है हर बार, कि 15 नंबर तो ICDR को मिलने ही चाहिए, नीचे जा सकता है ऊपर जा सकता है बट 15 रैशनली मुझे लगता है ICDR को मिलने चाहिए, जिसमें से एक प्रैक्टिकल और दो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने चाहिए। दिस इज व्हाट माय अजम्पशन इज फॉर दिस चैप्टर। सो लेट्स, अच्छा व्हाइल आई एम टीचिंग यू दिस आई एम अश्योर्ड कि मैं आपको कंसेप्ट रिवाइज करवा दूंगा, मैं आपका कंसेप्ट रिवाइज करवा दूंगा। तो अब अगर आप देखो तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इश्यूज है, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके वील डायरेक्टली शिफ्ट डाउन टू द चैप्टर इज वेल, तो अपन वहीं पे आगे बढ़ाते चलेंगे। नाउ इफ यू सी यहाँ पे से लोगों ने ICDR के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ इश्यूज क्या होते हैं वो बताया, एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर IPO। अब देखो एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ IPO में क्या है, विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, फ्यूजरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए, प्रमोटर और सेलिंग शेयर होल्डर्स में कहीं भी वो डिबार्ड नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे कहीं भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, IPO के अंदर कोई संभावना नहीं है, ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा है। अच्छा अब देखो यहां मेरे को रेगुलेशन 6.1 पे एक क्वेश्चन दिख रहा था, रेगुलेशन 6.1 पे मुझे एक क्वेश्चन दिख रहा था जो एक्चुअली मुझे नहीं दिख रहा, वो आपके इंस्टीट्यूट को दिख रहा है, आपके इंस्टीट्यूट ने भी उसको डाला है। तो मेरा काम सिर्फ कितना था कि आपको ये बताना। अब राजा ये क्या है, अब ये बोल रहा है IPO में आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, मैंने आपको तीन कंडीशन सिखाई थी दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मतलब मैं बार बार बोलता हूँ ये तीन कंडीशन का अपने में एक अलग इंटरप्रिटेशन है और इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये बहुत ही सिंपल होगा, दैट इज फॉर श्योर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट क्योंकि इसके कंसेप्ट में ईच कब लगता है, एवरेज कब निकलता है, ईच कब लगता है, ये बहुत जरूरी होता है। अब जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो आप मुझे चाहिए कि आप लोग अपनी कॉपी पेन उठा लें और जो भी मैं बोल रहा हूं शांति से सुनने का, जो भी मैं बोल रहा हूं उसको शांति से सुनने का, ठीक है। अब जब मैं कह रहा हूं भाई एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ IPO है, तो आप लोगों ने कहा सर एक सेकंड, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में आपने हमको चार चीजें बताई थी। अब देखो चार चीजों में क्या क्या चीजें थी ना सर, सबसे पहला था कि भैया उसके पास नेट टैंजिबल एसेट्स होनी चाहिए, उसके पास क्या होनी चाहिए, नेट टैंजिबल एसेट्स होनी चाहिए ऑफ 3 करोड़ रुपीज, उसके पास नेट टैंजिबल एसेट्स होनी चाहिए ऑफ 3 करोड़ रुपीज। ये आप लोगों को अपनी पहली कंडीशन याद आ रही होगी कि हाँ भाई इसके पास NTA होना चाहिए। अब जब ये कह रहा है कि भाई इसके पास नेट टैंजिबल एसेट्स होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 3 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अब अगर आप नोटिस करो तो उसने कहीं पे भी एवरेज वर्ड यूज नहीं किया है, इसका मतलब है इन ईच ईयर, इसका मतलब है इन ईच ईयर उसके पास नेट टैंजिबल एसेट्स होनी चाहिए 3 करोड़ रुपए की, ये उसकी पहली कंडीशन उसने बोला। अच्छा एक सेकेंड, खत्म नहीं हुआ है, यहीं पे एक हिडन कंडीशन है, यहीं पे एक हिडन कंडीशन है। भैया पहले वो बोल रहा है कि उसके पास नेट टैंजिबल एसेट्स कितनी होनी चाहिए, 3 करोड़ की होनी चाहिए। एट द सेम टाइम वो क्या बोलता है, एंड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट टैंजिबल एसेट शैल बी हेल्ड इन मॉनेटरी फॉर्म, एंड नॉट मोर देन 50% ऑफ द एसेट शुड बी होल्ड इन मॉनेटरी फॉर्म। तो देखना इसमें क्या बोला, द इश्यूअर हैज नेट टैंजिबल एसेट्स ऑफ 3 करोड़ रुपीज इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स ऑफ विच नॉट मोर देन 50% इज हेल्ड इन मॉनेटरी एसेट्स। अच्छा देखो IPO perspective अपन ऐसा क्यों बोलते हैं कि भैया इसके अंदर मॉनेटरी फॉर्म में ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप मैं इसके एक नॉर्मल बात समझाता हूं। When I am very serious अबाउट पर्टिकुलर बिजनेस, अगर मान लीजिए कि आज अपन यस अकेडमी की बात करते हैं, यस अकेडमी इज वेरी सीरियस अबाउट इट्स बिजनेस, इट वुड इन्वेस्ट इन टू इट्स फिक्स एसेट्स एंड नॉट ओनली कीपिंग मनी विद देम, मोर मनी विद देम एंड नॉट इन्वेस्टिंग इट इन टू एनी फिक्स एसेट्स, नॉट इन्वेस्टिंग इट इन टू एनी फिक्स एसेट्स। सो वॉट आई एम ट्राइंग टू रेज आउट हियर इज कि भैया जब कभी भी आप लोग अपना पैसा फिक्स एसेट्स के अंदर डाल के रखते हो तो सामने वाला बंदा बड़ा अशॉर्ड फील करता है कि भैया यार नहीं, बंदा एकदम जेन्युइन है क्योंकि इसको एक्चुअली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दिख रहा है, क्योंकि लंबा बिजनेस करना चाह रहा है, ये क्या कर रहा है, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट मोर एंड मोर यू इन्वेस्ट इन द फिक्स एसेट्स ऑफ द company, the more and more you invest in the fixed assets of the company, that shows that the company has a very wider, very longer approach towards their business.
सो नाउ दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. नाउ डू नॉट टच इट डाउन. अब इसके नीचे क्या बोल रहा है, इफ मोर देन 50% ऑफ द एनटीएस आर हेल्ड इन मॉनेटरी द इश्यूअर हैज यूटिलाइज्ड और मेड फर्म कमिटमेंट टू यूटिलाइज सच एक्सेस मॉनेटरी एसेट्स इन बिजनेस और प्रोजेक्ट. दिस लिमिट इज ऑफ 50% शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ आईपीओ इज मेड एंटायरली थ्रू एन ऑफर फॉर सेल. अब देखो यहां पे मुझे तीन चीजें बनती हुई दिख रही है. पहला वो आपके सामने एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन डाल सकता है. नाउ थिंक अपॉन दिस यारो, आप लोग को क्या लगता है इसके अंदर? ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, अब आराम से सुनना समझना, एकदम मस्त देखना और एकदम दिल में उतरेगा. दिल में उतरने के लिए इसको नेटवर्क में भी उतरना चाहिए. एक मिनट रुकेगा. अब सुनिएगा आराम से और समझिएगा इस चीज को. नाउ व्हेन आई एम सेइंग जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम राइटिंग लेट्स से द प्रॉफिट ऑफ 2000. अच्छा देखो, कभी भी आईपीओ में 3 साल के रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं. लेट्स से दैट वी आर इन 2019, वी आर विलिंग टू गो फॉर एन आईपीओ एंड इट्स 2016, 17 एंड 18 रिकॉर्ड्स यू हैव विथ यू. सो लेट्स से दैट यू हैव अ नेट टैंजिबल एसेट. लेट्स से यू हैव अ नेट टैंजिबल एसेट. आपके पास 3 साल की नेट टैंजिबल एसेट्स पड़ी हुई हैं, जिसके अंदर भैया सबसे पहले उसने बोला कि भैया इस साल में आपके पास है 6 करोड़, भैया 2017 में है आपके पास 5 करोड़ और 2018 में है आपके पास 2 करोड़. अब मेरे को एक बात बताओ आपके हिसाब से कि सर ये एलिजिबल है कि नहीं है एज पर कंडीशन वन, ये एलिजिबल है कि नहीं है एज पर कंडीशन वन. अब आपने बोला सर एक सेकेंड, 6 + 5 + 2 मतलब 13 डिवाइड बाई 3, सो 13 डिवाइड मतलब 4 करोड़ का एवरेज आ गया. 4 करोड़ का एवरेज है नेट टैंजिबल एसेट्स का. अरे गधो नहीं होगा यार, ये कैसी बातें कर रहे हो. हर ईयर में आपको 3 करोड़ होना कंपलसरी था. तो 2016 में यू आर कंप्लीटली फाइन, 2017 में यू आर कंप्लीटली फाइन, बट 2018 में यू आर नॉट क्वालिफाइंग फॉर द कंडीशन टू गो फॉर एन आईपीओ बिकॉज यहां पे 2 करोड़ से कम है नेट टैंजिबल एसेट्स. एवरेज नहीं, फर्स्ट कंडीशन इज फॉर ईच ईयर. ध्यान देना, ये है आपकी पहली कंसेप्ट. अच्छा नाउ लेट्स गो ऑन द अदर साइड ऑफ द पिक्चर. लेट्स से भैया अब मान लीजिए नेट टैंजिबल एसेट्स तो हो गई. अब सुनना, लेट्स करेक्ट दिस सो दैट यू गाइस कैन बी मोर क्लियर विद दिस. लेट्स से दैट इन 2016 इट वाज 6 करोड़, इन 2017 इट वाज 5 करोड़ एंड 2018 इट वाज 4 करोड़. नाउ आर यू एलिजिबल? आपने कहा यस सर यू आर एलिजिबल. वेट, आई हैवंट फिनिश्ड दैट. सो नाउ ऑफ दिस मॉनेटरी फॉर्म असेट्स आर 3 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़. आपने कहा सर नॉट मोर देन 50% कैन बी हेल्ड इन मॉनेटरी फॉर्म, तो ये तो चल जाएगा सर. नॉट मोर देन 50, इट इज 50%, ये भी चल जाएगा सर. बट सर यहां पे फिर से इसने मॉनेटरी एसेट को सरपास कर दिया, फिर इसने 4 करोड़ में से 3 करोड़ मॉनेटरी में होल्ड कर रखा है. सो दिस वुड नॉट फंक्शन. वापस से आपने कंडीशन का ब्रीच कर दिया. तो हमेशा याद रखना, आप लोग दो चीजें चेक करते हो. पहली बात, आपकी एनटीए 3 करोड़ ईच ईयर में है कि नहीं है. एंड सेकेंडली, जब जब आपके पास एनटीए है, क्या उसमें मोर देन 50% से ऊपर मॉनेटरी एसेट्स है? अगर है तो इट्स रॉन्ग, आपको 50% के नीचे रहना है. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन दे कैन आस्क यू. आपके एक क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से फर्स्ट चीज वो लोग यहां हिट करेंगे, तो इस पे गलती मत करना. अब देखो, अगर आप लोग जाएंगे तो आप आपकी सेकंड कंडीशन की तरफ जाते हो कि भैया अब देखना आपके पास एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 15 करोड़ होना चाहिए. नाउ दे हैव यूज्ड द वर्ड दैट द इश्यूअर हैज एन एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. नाउ व्हेन आई एम सेइंग एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मैं पिछले 3 साल का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालूंगा. मतलब इस केस के अंदर आपको एवरेज लेना है. सो नाउ लेट्स गो डाउन टू अ कंडीशन. लेट्स सी कैन यू गाइस डू दिस. नाउ जस्ट अ सेकेंड.
हाँ जी, अब आपकी कंडीशन टू पे अपन क्वेश्चन बना के देखते हैं। अब आपकी कंडीशन टू क्या कह रही है भैया, वापस से अपन 2016, 17, 18 पे चलते हैं, ठीक है। अब अपन कंडीशन टू पढ़ रहे हैं, अब इसमें बोल रहा है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख रहा है फॉर द ईयर ऑफ 2016 40 करोड़, फॉर द ईयर ऑफ 2017 30 करोड़, फॉर 2018 देयर इज अ लॉस ऑफ 5 करोड़। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 65 को भी डिवाइड बाय 3 कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है सर, तब भी 20 करोड़ से ऊपर का नेट सॉरी एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, आप कर सकते हो इशू, नहीं कर सकते। यही आपको दूसरी कंडीशन समझनी है, एवरेज निकालना है दैट इज राइट, एवरेज निकालना है दैट इज राइट, एंड एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आना चाहिए 15 करोड़, ये भी सही है, पर इसके अंदर एक हिडन कंडीशन है जो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट लाएगी। अगर आपने ढंग से देखा हो इसकी हिडन कंडीशन का, ध्यान देना आराम से, द इश्यूअर हैज एन एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 15 करोड़, ये तो ठीक है, आप लोगों ने सबने यहां छक्का मार दिया, पर आगे कंडीशन नहीं देखी, ड्यूरिंग द थ्री प्रीसीडिंग ईयर्स, ये भी ठीक है, विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन ईच ऑफ द थ्री प्रीसीडिंग ईयर्स, मतलब कि हर साल में प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, एवरेज इन तीनों का 15 करोड़ निकलना चाहिए, पर हर साल में प्रॉफिट होना जरूरी है, और अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो ऐसे केस के अंदर व्हाट वी अज्यूम इज, कि भैया आप लोगों ने किसी भी तरीके से ये कंडीशन पूरी नहीं करी, मतलब प्रॉफिट होना तीनों टाइम पे बहुत अनिवार्य है, प्रॉफिट होना तीनों टाइम पे बहुत अनिवार्य है, ठीक है एकदम। चलो लीजिए भैया, 40 करोड़, 30 करोड़, 5 करोड़ नहीं चलेगा, अगर नो प्रॉफिट है तब भी नहीं चलेगा, अगर 1 करोड़ भी प्रॉफिट है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो प्रॉफिट इन ईच ईयर और ये होना चाहिए, तो अच्छा व्हाट आई वांट इज आप कंडीशन लिखते जाओ, कंडीशन वन भैया इन ईच ईयर नेट टैंजिबल एसेट्स ऑफ 3 करोड़ ब्रैकेट नॉट मोर देन 50% एमटीए मॉनेटरी एसेट्स, कंडीशन टू एवरेज नेट प्रॉफिट 15 करोड़ ऑफ द प्रीसीडिंग 3 इयर्स विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन ईच ईयर। अब कंडीशन थ्री ये बोल रहा है नेट वर्थ, नेट वर्थ में उसने क्या बोला, कंडीशन थ्री इसने क्या बोला नेट वर्थ, अब नेट वर्थ में इसने क्या बोला वापस से ईच ईयर में होनी चाहिए नेट वर्थ, याद रखना नेट वर्थ इज इन ईच ईयर ऑफ 1 करोड़। अच्छा ये कंडीशन मैंने आपको सिखाई हुई, ऐसा नहीं है वो कंडीशंस नहीं आती, सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट वापस से बता रहा हूं, कुछ भी नया नहीं है, ये कंडीशंस तुमको ऑलरेडी आती हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं कोई नई चीज सिखा रहा हूं। तो ये बोल रहा है द इश्यूअर हैज अ नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़ इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स कैलकुलेटेड ऑन अ रीस्टेटेड एंड कैलकुलेटेड बेसिस। तो भैया पिछले 3 साल में आपके पास 1 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए हर साल के अंदर। सर व्हाट इज नेटवर्थ, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज आप माइनस करते हो, आप अपनी नेटवर्थ निकालते हो। अच्छा मैंने ना आपके नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही नॉर्मल सा फॉर्मूला निकाला है, अब इसमें जो आए उसको एडिशन करना, डिलीशन करना और खत्म कर देना। अच्छा मतलब निकाला क्या है, तुम्हारे मॉड्यूल का ही है, सिर्फ मैंने उसको यू नो रीअसेंबल करके लिख दिया है, तो प्लीज इसको लिख लो आराम से। सुनाओ नेटवर्थ जो अपना बेसिक तरीका है वो तुमको बताइए, एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, वो वाला सबसे मतलब एकदम यू नो नॉर्मल चीज़ है, अपने को वो नहीं करना, अपन है ना एक और स्ट्रक्चर लिख के रख लें, अगर मान लो कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो तुमको समझ में नहीं आ रही तो वो इस फॉर्मूला के अंदर बैठ जाएंगे, ठीक है। आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल उठा लो पूरी, उसमें ऐड कर दो, अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ है, जिस पर अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ पर एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ है, तो जो भी सिक्योरिटीज एप्लीकेशन का पैसा है वो भी उठा लो, ऐड करते जाओ, बिकॉज दिस इज ऑल एडिंग टू योर वर्थ। अच्छा आप इसको ऐड कर लो, इसके अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड कर लो, ठीक है। ये 3 चीजें ऐड करने की होती हैं, आपने अपनी मतलब क्या किया, ओनर्स फंड कैलकुलेट कर रहे हो, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और अगर कोई एप्लीकेशन के लिए पैसा आया हुआ है तो वो, लेट्स से कि अपने ये सब कुछ ऐड कर दिया। अब इसमें से कुछ माइनस करने का टाइम है, तो माइनस क्या करते हैं, आपने अगर अपनी बैलेंस शीट के, अच्छा देखो जो जो चीजें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आ सकती मैं वो सब लेके आ रहा हूं, अगर आपकी बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपने कोई मिसेलिनियस एक्सपेंसेस हैं विच आर येट नॉट बीन रिटन ऑफ, ठीक है, तो वो माइनस करो इसमें से। तो प्लीज राइट मिसेलिनियस एक्सपेंसेस
नॉट रिटन ऑफ, लिख लिया. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में इसके अंदर से माइनस करना अगर कोई भी डेफर्ड टैक्स एसेट्स आपके पास हैं तो डीडीए डायरेक्ट लिख के देंगे. कुछ भी आपको आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट बोलेंगे आपके पास भाई डेफर्ड डायरेक्ट टैक्सेस पड़े हुए हैं, टैक्स एसेट्स पड़ी हुई है. ऐसा पैसा जो अपना नहीं है वो अपने को देना है. इट्स अ डेफर्ड टैक्स एसेट, मतलब दिस इज कीपिंग एज अ एसेट फॉर यू बट दिस हैज टू बी पेड ऑफ, दिस इज नॉट योर्स बट येट नॉट पेड, दैट्स व्हाई इट्स बीइंग शोइंग इन योर एसेट्स. तो जब आप अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस योर शेयर एप्लीकेशन प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस योर मिसेलेनियस नेट एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिटन ऑफ एंड डीटीए माइनस करते हो, यू गेट योर नेट वर्थ. अब ये फॉर्मूला मैं क्यों बता रहा हूं, कल ट्रांजैक्शंस में वो सबसे ज्यादा यही चीजें डाल सकते हैं. तो बस इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है, और मुझे ये भी नहीं पता कि आपको ये याद क्यों रखना है, मतलब दिस प्रीटी सिंपल. मैंने ओनर्स फंड को ऐड किया है, माइनस किया है जो चीज आपको बिलोंग नहीं करती है, फिक्टिशियस है, खत्म. सो आई बिलीव दिस इज मेकिंग सेंस टू यू गाइज. सो दैट्स डन, कंडीशन थ्री इज डन. अच्छा, फोर्थ कंडीशन क्या है? अगर आपने, अब मेरे को नहीं लगता कि फोर्थ कंडीशन पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना चाहिए, बट स्टिल यू नेवर नो. कंडीशन फोर में वो क्या बोल रहा है, इफ यू हैव चेंज योर नेम इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, तो भैया आप लोगों ने जो भी आपका नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट आ रहा है उसका 50% न्यू नेम अगर कोई एक्टिविटी सजेस्ट करता है तो उससे आना चाहिए. सही बात है, या फिर 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन टू एसेट्स इज डन जो इन एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है. आई थिंक आपको याद ही हुआ, इनकेस द इश्यूअर हैज चेंज्ड इट्स नेम इन द वन ईयर, 50% ऑफ द रेवेन्यू कैलकुलेटेड ऑन अ रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस फॉर द प्रोसीडिंग वन ईयर हैज बीन अर्न थ्रू एक्टिविटी इंडिकेटेड बाय द न्यू नेम. दैट्स इट, क्वेश्चन कम्स टू एन एंड पैक. ठीक है, अब देखना एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात कर रहा है. एलिजिबिलिटी कंडीशन बोल रहा है, अच्छा अब ये कंडीशन है, अब देखो ये केस पढ़ो तुमको समझ में आना चाहिए, अगर केस समझ में आ रहा है तो बात खत्म हो गई. ये बोल रहा है इन केस द इशूअर इज प्रपोजिंग टू फाइल इट्स ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट. इशूअर प्रपोज कर रहा है, वो अपना ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट सेबी को देना चाहता है अगस्त 2018 में. देन द नेट टैंजिबल एसेट्स फॉर द लास्ट थ्री ईयर्स, अच्छा ये इलस्ट्रेशन है देखना, नेट टैंजिबल एसेट्स फॉर द लास्ट थ्री फुल ईयर्स ऑफ 12 मंथ ईच शैल बी एटलीस्ट 3 crores. And not more than 50% of the same shall be held in monetary assets. In the following table, it is seen that the net tangible asset is more than 3 crores in the year ended 31st March 16, 17, 18. Further, monetary assets continue to be less than 50% of the NTAs in each of the three previous years. देखो अभी आपके सामने, अच्छा अब वो आपको देगा और आपको identify करना है, ये trick लगानी है, ये पूरी table आप बनाओगे. Obviously, ये illustration है, इसलिए इसको ऐसा दिया गया. ठीक है. So, while we are saying that this is year ended March 31, आपके पास net tangible assets हैं. अच्छा देखो, अब इन लोगों ने 14, 15, 16, 17, 18 दिए. अच्छा देखो, अब मेरी बात सुनना, 14, 15, 16, 17, 18 क्यों देखना? आपको सिर्फ क्या calculate करना है? आपको सिर्फ पिछले 3 साल देखने हैं. ये बोल रहा है, the issuer is proposing to file a draft of a document in August 2018. अच्छा, अपने को August 2018 में अपन जा रहे हैं, तो अपन लोग इधर, इधर और इधर खेलेंगे. अपने को क्या करना है बाकी जगहों पर? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं. क्या आप अपनी प्लीज एनटीएस देखना, अबव थ्री, अबव थ्री. अच्छा अब यहां क्या हो रहा है, 2, 6, 2, 5, 3, 2. तो अब ये क्या बोल रहा है, नेट टैंजिबल एसेट मींस द सम ऑफ ऑल नेट एसेट्स ऑफ द इशूअर एक्सक्लूडिंग इनटैंजिबल एसेट्स. तो जो भी इनटैंजिबल एसेट्स है हटा दो, बाकी सब कुछ आते हैं टैंजिबल एसेट्स के अंदर. अब यहां पर समझना यारों, अब अगर ये बोल रहा है 3 साल के लिए, तो भाई 2018 के हिसाब से सही है. 2008, यार एक सेकंड रुकना प्लीज. क्लासिक जाहिल होते हैं ना, जिनकी कोई हद नहीं होती है, जाहिल साले. मतलब मैं 4 बार फोन उठाया है ये बताने के लिए दैट आई एम इन लेक्चर, कॉलिंग अगेन, कॉलिंग अगेन, कॉलिंग अगेन, मतलब बहुत सेटिस्फैक्शन दे गेट. ठीक है, अच्छा अब ये बोल रहा है कि भैया आपको पिछले 3 साल में नेट टैंजिबल एसेट्स कितनी होनी चाहिए थी भैया, 3 crore ईच ईयर में होनी चाहिए थी. अब यहां पे है, यहां पे है, यहां पे नहीं है, आपने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी है. अच्छा अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर भी ली होती, 3 crore की कंडीशन सेटिस्फाई कर ली होती, तो फिर वो नीचे चेक करता कि भैया क्या उसमें मोर देन 50% मॉनेटरी टर्म्स में है. अगर नहीं है तो बात खत्म, आप जा सकते हैं.
अगर है तो आप आईपीओ की कंडीशन फुलफिल नहीं करते, यू आर नॉट एलिजिबल टू गो फॉर आईपीओ. तो ये पहली कंडीशन आप इस तरीके से चेक करोगे. आई होप दिस हैज मेड योर डाउट वेरी क्लियर. नाउ सी, ये एलिजिबिलिटी कंडीशन टू पर आपको चेक करवा रहा है. अब देखना, अच्छा एलिजिबिलिटी कंडीशन टू क्या थी सर? एलिजिबिलिटी कंडीशन टू थी वो एवरेज प्रॉफिट 15 करोड़, और हाँ ईच ईयर में प्रॉफिट होना चाहिए, खत्म. In case the issuer proposes to file its offer document in August 2018, then the average operating profit for the preceding 3 years shall be at least 15 crores. Further, the company shall have operating profit in each of the 3 years. The average of the net profit for 3 preceding years is 1575 crore, which is more than the preceding average. Achha. Achha, pehli baat, 18, 17, 16, teenon mein profit hai, toh pehli problem solve hai. 18, 17, 16, achha dekho, 16 mein toh 15 crore se itself zyada hai, 18 mein toh 15 crore se itself zyada hai. 2017 में 12 करोड़ है. I'm sorry. तो अब क्या करो, इन तीनों का एवरेज ले लो. इन तीनों का जब आप एवरेज लोगे तो इट वुड कम 15.75 करोड़. तो क्या एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन गया? यस, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन गया. सो आर मेजर प्रॉब्लम इज सॉल्व. सिंस आर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज डन, सेकंड चीज क्या चेक करनी थी अपने को, दैट इज देयर प्रॉफिट इन ऑल द 3 इयर्स. प्रॉफिट, 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 गुड टू गो, थ्रो इट आउट, डन. दिस इज हाउ दे आस्क. ठीक है. अच्छा, नेटवर्थ पे तो उन्होंने अपने को प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी नहीं दिया, नहीं दिया है, इसीलिए मेरे को लग रहा था कहीं वो नेटवर्थ की कंडीशन चेक करने के लिए ना बोले. तो नेटवर्थ की कंडीशन चेक करना होगा तो सर 1 करोड़ ईच ईयर में होनी चाहिए, याद है 1 करोड़ ईच ईयर में होनी चाहिए. नेम कंडीशन तो आएगी नहीं, 1 करोड़ 3 साल में होनी चाहिए, हर साल में 1-1 करोड़ होनी चाहिए. सर नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए मैं अपने ओनर्स फंड उठाऊंगा, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन कुछ आए हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस करूंगा, इधर से एसेट्स में कोई मिसेलिनियस एक्सपेंसेस पड़े हैं जो अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं है, और अगर कोई डेफर्ड टैक्स एसेट्स पड़ी हुई है जो मेरी नहीं है, किसी और की है, मुझे देनी है, माइनस कर दूंगा, आ जाएगी मेरे पास मेरी नेटवर्थ, खलास, खत्म. तो ये था मेरे हिसाब से फर्स्ट थिंग जो आ सकती थी, फर्स्ट थिंग जो आ सकती थी. ठीक है, अरे लो ये आपका नेटवर्थ का भी आ गया, एलिजिबिलिटी कंडीशन 3. अच्छा एक सेकंड, नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस शेयर एप्लीकेशन मनी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, उनको अपने ऐड करना है, माइनस करना है मिसलिनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ लेस डेफर्ड टैक्स एसेट, नेटवर्थ आ गई आपकी 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए. कुछ भी सिखाने की जरूरत है यार, देख लो. In case the issuer proposes to file a draft of a document with SEBI in August 2018, then the net worth shall be at least 1 crore in each of the last 3 financial years. In following table, it is seen that the company has a net worth of 1 crore in each of the 3 financial years prior to the date of filing of draft of a document. Dekho, 2018, aapki equity share capital plus your equity share capital mein jo bhi application aa rakhi hai and reserves and surplus, that is, aapka ye total aa gaya, that is 4764 lakhs. उसमें आपको माइनस करना है मिसलिनियस एक्सपेंसेस कुछ नहीं, बट डीटीएस आपके पास है वो माइनस कर दो, तो इट इज 4703 क्वालिफाइंग 1 करोड़ का रूल. 2017 सेम क्वालिफाइंग 1 करोड़ रूल. 2016 सेम क्वालिफाइंग 1 करोड़ रूल, खत्म. 15 14 नहीं देखना, कंफ्यूज करने के लिए दिया, 3 साल की चेक की जाती है, बाकी नहीं. अभी क्लियर? यस वी आर, दैट्स इट, वी डन. नाउ ये था जो फर्स्ट पार्ट मेरे को लग रहा था जहां पे क्वेश्चन आ सकता है. अब इसके बाद तो मुझे, अच्छा आपके इंस्टीट्यूट ने कहीं खुद नहीं बोला कि भाई यहां पे कहीं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं. फिर मुझे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके 18 नंबर पेज पे दिख रहा है मॉड्यूल के. अब देखो यार, क्वेश्चन आ कहीं से भी सकता है, अपन सिर्फ अपन प्रेडिक्शन सेट कर रहे हैं. आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको दिक्कत नहीं आएगी. अलॉटमेंट प्रोसीजर्स, अलॉटमेंट प्रोसीजर्स पे क्वेश्चन आ सकता है. अच्छा देखो, कुछ चीजें जो आप हमेशा याद ही रखना, मतलब इसमें कुछ दो राय नहीं, उसमें बात नहीं करनी आपने. भैया देखो, पहले वो आपसे पूछ सकता है whether the allotment can be done or not, whether the allotment can be done or not. तो अलॉटमेंट होने के लिए, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको आपके लेक्चर्स में बहुत क्लियरली बताया था दैट मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज, मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज शुड बी एटलीस्ट 1000. 1000 लोग कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ लॉटीज होने ही चाहिए. वो नहीं है तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर बात मत करो, यहीं पे आपका इश्यू फेल हो चुका है. अगर वो है तो सेकंड चीज. अच्छा, अगर कुछ नहीं दिया है तो इट्स एन अजम्पशन दैट 1000 है. अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हो ऑन द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, तो ये अज्यूम किया जाता है. पर ललू सुनना,
कहीं वो उस क्वेश्चन में लिख दे दैट इन द टोटल देर आर ओनली 900 एप्लीकेंट्स, देर आर ओनली 900 एप्लीकेंट्स एंड द इश्यूज ओवर सब्सक्राइब, मतलब उन्होंने बहुत सब्सक्राइब किया बट एप्लीकेंट 900 ही है, तो ध्यान दिखाना कि भैया मिनिमम नंबर ऑफ लॉटरीज पूरे नहीं हो रहे हैं। तो हमेशा ये इसलिए इस रूल को याद रखा जाता है कि आपको याद रहे कि मिनिमम नंबर ऑफ लॉटरीज एटलीस्ट 1000 होने चाहिए, नहीं है तो इशू सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। 90% वाला रूल तो बाद में आता है, 1000 मिनिमम लॉटरीज होने ही चाहिए, दैट्स द फर्स्ट पार्ट। ठीक है ठीक है, सिर्फ पहली कंडीशन हो गई। अच्छा देखो, अब है ना इन लोगों ने जो आगे कंडीशन थी बहुत ही मीठी थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सिखाया था कि भैया देखो ना एक पब्लिक इशू के अंदर आप तीन कैटेगरीज को बांट लेना, एक होती है आपकी आरआईआई कैटेगरी, दूसरी होती है आपकी एंकर इन्वेस्टर्स की कैटेगरी। एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं सर? वो QIBs जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं एक बार में 10 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर तीसरे आपकी कोई भी अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। अच्छा अब है ना अगर आप देखो तो ये तीन सेगमेंट्स को, इन तीन सेगमेंट्स को अलॉटमेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, इन तीनों सेगमेंट को अलॉटमेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं देख लेते हैं भैया। तो भैया जब आप अलॉटमेंट करने जाते हो तो तीन कैटेगरीज हैं। अच्छा ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू आस्क यू आरआईआई, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू आस्क यू आरआईआई, कोई क्वेश्चन ही नहीं है उसके अंदर। मैं सिर्फ आपको एक चीज दिखा के रख रहा हूं, कल उनका मूड चेंज हो जाए, वो बोले हमारा मूड है हम मस्ती करेंगे तो करना ले गए। थ्री कैटेगरीज, लेट्स टॉक अबाउट दीज थ्री कैटेगरीज। ये बोलता है देखो भैया, ये आपके सामने तीन कैटेगरीज लेके आए हैं। सबसे पहली है आपकी आरआईआई कैटेगरी। अच्छा आरआईआई कैटेगरी कौन सी होती है? जिसको अप टू 2 लाख तक का आप अलॉटमेंट कर सकते हो। अगर आपको याद हो तो अपन ने यहाँ पे एक एम्प्लॉय की बात करी थी, एम्प्लॉय में आप लोग अप टू 5 लाख का अलॉटमेंट कर सकते हो। ये सिर्फ याद रखने की बात बता रहा हूँ, एम्प्लॉयज कैन बी अलॉटेड अप टू 5 लाख, वेर एज आरआईआईज जो वैल्यू में 2 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज आरआईआईज। नेक्स्ट अप होते हैं आपके एंकर इन्वेस्टर्स, नेक्स्ट अप होते हैं आपके एंकर इन्वेस्टर्स। सर एंकर इन्वेस्टर्स को तो अपन हद से ज्यादा इज्जत देते हैं, इशू के एक दिन ओपन होने से पहले इनको अलॉटमेंट हो जाता है, इनके पैसे पहले ही आ जाते हैं, इनके सेटलमेंट सारे पहले ही हो जाते हैं, है भाई इज्जत है। एंकर इन्वेस्टर कौन होते हैं? सर ये भी फॉर्म ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ही हैं, आपने बताया हुआ है दीज आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ओनली। सर ये QIBs तो हैं, एंकर इन्वेस्टर हैं, QIBs तो हैं। सर कौन से QIBs हैं? जो एक बार में मोर देन 10 करोड़ का, मोर देन 10 CR का इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी के अंदर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एंकर इन्वेस्टर्स। लिख लो जल्दी से, साथ साथ में लिखते हुए चलो। ठीक है, मोर देन 10 करोड़ इन अ बुक बिल्डिंग इशू, इन अ बुक बिल्ड इशू। ठीक है सर, और कौन से होते हैं? अदर कोई भी अदर इन्वेस्टर्स, आई एम पर्पसफुली कीपिंग एट अदर इन्वेस्टर्स, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई। नाउ व्हाट द जनरल रूल सेज भैया, अब ये बोलता है कि भैया जो आपके आरआईआई कैटेगरी है ना, इसको आपकी आरआई कैटेगरी को अगर आप अलॉटमेंट करते हो तो आपको मिनिमम 1 लॉट तो सबको देना ही पड़ेगा, मिनिमम 1 लॉट तो सबको देना ही पड़ेगा। मतलब जिनको भी एप्लीकेशन दी है, जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी है, जिसको आप नॉमिनेट कर रहे हो कि इसको शेयर्स देने, उसको मिनिमम 1 लॉट तो देना ही होगा। आईपीओ के अंदर आप 1 या 2 शेयर्स नहीं खरीदते हो, आप लॉट में अप्लाई करते हो। तो ये बोल रहा है कि जो भी आपकी आ रहा है कैटेगरी है उसको मिनिमम 1 लॉट तो आपको देना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर क्वेश्चन, 1 लॉट दो बात खत्म करो। ठीक है, सेकेंड चीज ये बोल रहा है कि भैया 1 लॉट देने के बाद जिन जिन लोगों को आपने 1 लॉट दिया है, फिर भी अगर आपके पास कोई शेयर्स बच जाते हैं, फिर भी अगर आपके पास कोई शेयर्स बच जाते हैं तो रिमेनिंग आप ऑन प्रोराटा बेसिस दे सकते हो, प्रोराटा बेसिस दे सकते हो। वेरी गुड, तो सर ये होता है आरआईआई का ट्रीटमेंट, 1 लॉट तो कम से कम देना है, उसके ऊपर प्रोराटा बेसिस पे दे देंगे। अच्छा अब आप अगर इसके बाद जाएं, जस्ट अ सेकंड गाइस, हाँ जी, उसके नीचे एंकर इन्वेस्टर्स। सर एंकर इन्वेस्टर्स पे तो उन लोगों ने क्लियरली बोला है दैट हम लोग एंकर इन्वेस्टर्स को डिस्क्रिशनरी बेसिस पे अलॉटमेंट करते हैं, मतलब हमारी मर्जी है जैसा चाहे हम करेंगे, आप बीच में बताना, मतलब कोई भी लॉ बीच में नहीं आता। एंकर इन्वेस्टर्स का जो भी अलॉटमेंट होता है वो होता है डिस्क्रिशनरी बेसिस पे, वो होता है डिस्क्रिशनरी बेसिस पे, याद रहेगा। ठीक है, अदर इन्वेस्टर्स अगर एंकर इन्वेस्टर भी नहीं है, आरआईआई भी नहीं है, तो भाई जो भी और है वो प्रोराटा बेसिस पे जाएगा, वो प्रोराटा बेसिस पे जाएगा। ये बस 3 चीजें याद कर लेना, गुरु मंत्र है,
और एक सेकेंड, ऐसा नहीं है गुरु मंत्र तुम्हारे गुरु ने लिखा है, बुक का है, सिर्फ उसको छाटा है अपन ने। देख लो आ रहे हैं 2 लाख तक का इन्वेस्ट, 2 लाख तक के एप्लीकेंट्स आ रहे हैं में आते हैं सर, उनको अगर अलॉट किया तो 1 लॉट तो देना ही पड़ेगा, और 1 लॉट के बाद जितने भी उनके ओवर सब्सक्रिप्शन है वो प्रोराटा बेसिस पे देना, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। एंकर इन्वेस्टर्स सर डिस्क्रिशनरी बेसिस, जिसको देना है जितना देना है उतना देंगे, कोई सवाल नहीं है। अदर इन्वेस्टर्स है सर लॉट का कोई सिस्टम नहीं, अदर्स के लिए प्रोराटा बेसिस पे इनको देंगे। आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट वेरी क्लियर दैट 3 kind ऑफ इन्वेस्टर्स एंड वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड देम इनटू दीज 3 categories, प्रीटी सिंपल। यस सर दिस इज प्रीटी सिंपल। नाउ लेट्स से यहाँ पे देखो, अच्छा देखो पहली बात मैंने आपको ये लेक्चर्स के अंदर भी सिखाई थी, ये बात याद रखना, कभी भी मान लो कि ये प्रोराटा बेसिस पे जब आप आते हो तो अगर कोई फ्रैक्शन आ जाता है, कोई भी फ्रैक्शन आ जाता है तो उसको आप नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर पे ले लेते हो। मतलब कि अगर इट्स 5.5 एंड अबव यू मेक इट 6, इफ इट इज 5.49 यू मेक इट 5, नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर 5 एंड अबव नेक्स्ट वन 0.49 गो डाउन, दिस इज हाउ द नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर इज रीच्ड। अब देखो कभी कभार क्या होता है ना, आप लोग जब ये राउंडिंग ऑफ करने जाते हो, तो जितने का आप इशू डिसाइड करते हो, आप उसको सरपास कर जाते हो, जितनी सिक्योरिटीज आप देना चाहते हो, जैसे आप 10 लाख सिक्योरिटीज देना चाह रहे हो तो आप 10,02,000 सिक्योरिटीज दे रहे हो, 10,02,000 सिक्योरिटीज दे रहे हो, आप कुछ फ्रैक्शनल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बढ़ा देते हो। वो क्यों बढ़ाते हो? ये फ्रैक्शन कंप्लीट करने के लिए। तो ICDR में इट्स क्लियरली सेड कि भैया फॉर द पर्पस ऑफ दिस फ्रैक्शन कंप्लीशन कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से बात कर सकती है और बोल सकती है भैया हमको कुछ थोड़ी सी एडिशनल सिक्योरिटीज देनी है। हाँ सर, वो ग्रीन शू ऑप्शन, थप्पड़ पड़ेगी, ग्रीन शू ऑप्शन दर नहीं आएगा, ग्रीन शू ऑप्शन में अपन नई सिक्योरिटीज नहीं क्रिएट करते, ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज खाली प्रमोटर से निकाल के यहाँ पे देते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, यह न्यू सिक्योरिटीज है। पर अब याद रखना, आपके टोटल इशू के मुकाबले आप फ्रैक्शन कंप्लीट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1% और सिक्योरिटी दे सकते हो, एंड दैट मेक सेंस बिकॉज द फ्रैक्शन वुड बी समवेयर बिटवीन 0.01% टू 0.99%, कहीं ना कहीं इसी के बीच में फ्रैक्शन आ रहा होगा ना, तो आपको अलाउ किया गया है कि आप 1% तक ऑफ द टोटल इशू और सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ राउंडिंग ऑफ द फ्रैक्शन टू द नेक्स्ट इंटीजर, मेकिंग सेंस। तो कभी कभार अगर आप अपने इश्यू से हल्का सा आगे भी निकल जाते हो तो उसको अपन अलाउ कर सकते हैं 1% तक, उससे ज्यादा नहीं, 0.1% से 0.99%, यही कहीं फ्रैक्शन घूम रहा होगा तो 1% अलाउ कर दिया ना आपको, खत्म हो गई बात, ठीक है। सो नाउ सर वी आर वेरी क्लियर, 3 categories आ रहा है, एंकर इन्वेस्टर, अदर इन्वेस्टर, दिल में उतर गई सर, आ रहा है को 1 लॉट तो कम से कम देना है। अब देखो ये 1 लॉट देना ये बहुत बड़ी बात होती थी, तो पहले क्या होता था कि ये लोग क्या करते थे, पहले के टाइम की बात बता रहा हूं, कि भैया जो जितने लॉट अप्लाई कर रहा है उसको उस हिसाब से अपन लोग मार्किंग करते थे और फिर डिवाइड करते थे कि कितना कितना लॉट देना है। तो होता क्या था, जो हाईएस्ट लॉट अप्लाई करता था उसको तो भैया बहुत प्रोबेबिलिटी होती थी कि मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसने सबसे हाईएस्ट लॉट अप्लाई किए तो ऑब्वियसली ही वुड बी क्रिएटेड मोर, एज अगेंस्ट जो बेचारा कम लॉट के लिए अप्लाई कर रहा है वो हर बार रिजेक्ट हो जाता था। सो दिस वॉज समवेयर द ग्लिच इन सिक्योरिटीज मार्केट, जहां लोग कहते थे कि भैया दिस इज यू नो रिच पीपल्स फंड्स, यहाँ पे भैया जिसके पास पैसा है वही मजे करेगा, इसके यहाँ पे जिसके पास पैसा है वही मजे करेगा ना, और तो कोई मजे कर ही नहीं सकता। हाँ जी, अब मेरी बात समझना, जिसके पास पैसा वही मजे कर रहा है, तो यहाँ पे यार सेबी ने बोला ये बात तो सही है, तो इन लोगों ने लॉटरी सिस्टम निकाल दिया। अभी लॉटरी सिस्टम है, मतलब आप लॉटरी सिस्टम में देख लो, ये अभी IRCTC का इशू आया था, SBI का इशू आया था, या फिर ऐसे कोई भी इश्यूज आप देख लेना अभी रिसेंटली, इन सब में लॉटरी सिस्टम लगाया गया, नाउ व्हेन आई एम सेइंग इट सब में लॉटरी सिस्टम लगाया गया, हाउ लॉटरी सिस्टम में क्या होता है ना, कंपनी बोलती भैया हम सेलेक्ट ही नहीं करते। लॉटरी सिस्टम में एज गुड एज अपन एक बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर अपन लोग आप सबके नेमशीट डाल देते हैं, हम आप लोगों की नेमशीट डाल देते हैं, हम नाम निकालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जिन जिन लोगों के नाम निकल गए उनको लॉटरी लग गई, मतलब उनका आईपीओ लग गया। अब अपन ऐसे ही बोलते ना कि अरे यार मेरा लग गया भाई, से भी कह रही है कि भैया लॉटरी, जिसके नसीब में उसको लॉटरी में लग गया, जिसका नहीं उसका नहीं, बात खत्म, इतना झगड़ा अपने को करना ही नहीं, ज्यादा अप्लाई करने से आपको लॉट नहीं मिलेगा। तो पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि अब लॉटरी सिस्टम से कंपनी रैंडमली सेलेक्ट करती है कि किसको आरआई कैटेगरी में अलॉटमेंट होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया।
सेकेंड, अब एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. पहले जो ज्यादा लोग लॉट मांगते थे, मतलब जो ज्यादा लॉट्स मांगते थे उनको ज्यादा लॉट्स मिलते थे, जो कम मांगते थे उन्हें बेचारे प्रोपोर्शनेटली कम मिलते थे. तो हम कहते थे ये भी गलत है कहीं ना कहीं, मतलब जिसने 12 मांगे उसको आप 3 लॉट दे रहे हो. हमने 3 मांगे पर हमारी भी तो 3 खरीदने की क्षमता थी ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? जस्ट बिकॉज उनके पास ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा मजे ले रहे हैं. तो इसीलिए सेबी ने सेकेंड रूल लाया यहाँ पे कि भैया सबको कम से कम 1 लॉट देना है और उसके आगे सब कुछ प्रोपोर्शनेट बेसिस देना है. सो डू यू सी दैट हमने क्या किया, हमने इस चैप्टर की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी. आरआईआई को कम से कम 1 लॉट देना ही, बाकी सब क्या मिलेंगे आपको? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज प्रोपोर्शनेट बेसिस में मिलेंगे. तो आई होप कि मैंने आप लोग को एक बिल्कुल नॉर्मल चीजें जो भी मेरे को लगता था कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी वो सारी समझा दी. एंड वी आर वेरी गुड टू गो फॉर अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन. नाउ वी आर वेरी गुड टू गो फॉर अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी व्हाट द इंस्टीट्यूट हैज टू ऑफर फॉर यू. नाउ दिस इज वन क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अच्छा, दिस अगेन अ वेरी गुड रिविजन ऑफ ICDR एज वेल. नाउ लेट्स सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हिम. नाउ द टोटल नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑन ऑफर आर 600 पर शेयर, 600 रुपए पर शेयर है. अच्छा देखो, 600 रुपए मत देखो, प्राइस का अपने को इतना फर्क नहीं पड़ रहा. ये कह रहा है 1 करोड़ सिक्योरिटीज हैं, 1 करोड़ सिक्योरिटीज हैं. स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर आरआईआई कैटेगरी इज 35 लाख. अपना काम आरआईआई कैटेगरी कैलकुलेशन, ये पूरा आरआईआई के लिए, ठीक है. तो अपने पास आरआईआई कैटेगरी को देने के लिए कितना है? 35 लाख सिक्योरिटीज हैं. भैया इशू ओवरऑल 2.5 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, घुइया के खेत में जाए अपने को क्या करना है? अपने को आरआईआई का कैलकुलेशन करना है. वेयर एज द आरआईआई कैटेगरी इज ओवर सब्सक्राइब 4 टाइम्स. अच्छा नाउ व्हाट आई वांट इज ना, आप अपने जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो ना, आप अगर ऐसा आपके सामने आए जो मुझे लगता है यही आएगा, आप क्या करोगे? आप लिख लो ओवर सब्सक्रिप्शन कितनी, 1 करोड़ 40 लाख एप्लीकेशंस आई हैं, 1 करोड़ 40 लाख एप्लीकेशंस आई हैं. सर 1 करोड़ 40 लाख कैसे आई है? भैया शेयर्स टू ऑफर कितना है, शेयर्स फॉर आरआईआई कितना है, शेयर्स फॉर आरआईआई कितना है? सर आपने बोला शेयर्स फॉर आरआईआई 35 लाख है. और अगर इट इज सब्सक्राइब 4 टाइम्स, मतलब एप्लीकेशंस कितनी आई है? 1 करोड़ 40 लाख की. प्रिटी सिंपल यार, इससे ज्यादा अपने को कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है सर. अब ये बोल रहा है सर द इश्यूअर हैज फिक्स्ड द मिनिमम एप्लीकेशन बिट साइज एज 20. अच्छा देखो 20 की बिट साइज लगाई है उसने, बोला फॉलोइंग विद द रेंज ऑफ 10 to 15. याद है ना कि आपका जो एक लॉट है वो 10,000 से कम नहीं और 15,000 से ज्यादा नहीं हो सकता. मैंने आपको ऊपर सिखाया हुआ है, आपका एक लॉट 10,000 से ज्यादा नहीं, 15,000 से कम नहीं हो सकता है, अपन ने सीखा हुआ है. अच्छा आपको अगर चेक करना हो कि ये सही है कि नहीं है तो देखना, एक लॉट में 20 सिक्योरिटीज है, एक की कॉस्ट 600 है, 20 × 600 करके देख लो 12,000 आ रहा है. क्या वो 10 से 15,000 के बीच में? आपने बोला ये सर 10 से 15,000 के बीच में, मतलब ये वैलिड है, ये लॉट एकदम सही है. यहाँ 25 भी हो सकते थे, सर चलेगा 25 × 600 करके देख लो 15,000 की रेंज में आ रहेगा, बिल्कुल अलाउड है, खत्म, एकदम अलाउड है. मतलब ये लोग 25 तक का लॉट बना सकते थे. नाउ भैया इन्होंने एक लॉट बनाया है, एक लॉट में कितने 20 शेयर्स है, मतलब अगर आपने किसी इन्वेस्टर को सिलेक्ट किया तो उसको कम से कम 20 शेयर्स तो मिलने मिलने, बिकॉज एक लॉट तो मिलेगा मिलेगा आ रहा है कैटेगरी में, ठीक है. अ टोटल ऑफ 1 लाख इन्वेस्टर्स हैव अप्लाइड इन द इशू, 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया इस इशू के अंदर. इन वेरिंग नंबर ऑफ बिड्स, मतलब किसी ने 1 लॉट की बिड लगाई, किसी ने 16 लॉट की बिड लगाई. सर 16 लॉट की बिड लगाई, सर 1 लॉट है 12,000 का, 12,000 × 16, सर अगर किसी ने 12,000 × 16 करो तो क्या आ रहा है देखते ना, जल्दी करके देख लो, 12,000 × 16 सर 1,92,000, मतलब ये आ रहा है के अंदर ही आ रहा है. सर अगर इसने, मान लो अगर इसने 17 अप्लाई की होती तो ये 2,04,000 की एप्लीकेशन दे रहा था जो इनवैलिड हो जाती, क्योंकि आरआईआई कैटेगरी में 2 लाख तक ही अलाउड है. इसीलिए 1 से 16 का लॉट ही हाईएस्ट आप बिड कर सकते थे, बिकॉज उसके ऊपर आपने बिड किया तो आप आरआईआई कैटेगरी रहे ही नहीं, ठीक है. सो बेस्ड ऑन द मैक्सिमम एप्लीकेशन साइज अप टू 2 लाख रुपीज आउट ऑफ द 1 लाख इन्वेस्टर्स. अच्छा एक सेकंड देखो सर, 1 लाख इन्वेस्टर्स हैं, अगर एक एक को मैं एक एक को एक एक लॉट दूं, एक एक लॉट दूं, तो मतलब एक को 20 शेयर्स देने, 1 लाख × 20 मतलब 20 लाख, 20 लाख शेयर्स तो मेरे को देने ही है, 1 लाख इन्वेस्टर्स मेरे को 20 लाख शेयर्स तो देने ही है, ठीक है. सो आउट ऑफ 1 लाख इन्वेस्टर 5 आ रहे आए हैं आपके पास ABCDE हु हैव अप्लाइड एज फॉलोज. अब इन लोगों ने आपको कुछ कैलकुलेशंस दिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है, समझना मेरी बात. अब ये बोल रहा है अपन ABCDE उतार लेते हैं, ए ने दिए हैं 320, ठीक है, ए
बी फॉर्मेटिंग अपन मॉड्यूल से देख लेंगे, इट्स अ मैटर ऑफ टू मिनट्स. मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ. न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, इट्स वेरी सिंपल. डायरेक्ट हिट करेंगे गोली पे. भैया ए ने अप्लाई किया 320, इन्होंने 320 के लिए अप्लाई किया. बी ने अप्लाई किया 220, सी ने 120, 60 एंड 20. सो 220, 120, 60 एंड 20. 220, 120, 60 एंड 20. ये इनके एप्लीकेशन है. अच्छा, ये सब सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स है, बिकॉज 1 लाख इन्वेस्टर सबको ही मिल रहा है अलॉटमेंट. तो मुझे एक बात बताना, इनको मिनिमम कितना कितना एक एक लॉट मिलेगा, मतलब मिनिमम अलॉटमेंट कर दें, मिनिमम अलॉटमेंट ऑफ 20-20 तो मिलेगा ही मिलेगा इनको. सही बात है सर, मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, अब इनका ओवर सब्सक्राइब पार्ट कितना है, इनका ओवर सब्सक्राइब पार्ट कितना है? सर आपने इनका ओवर सब्सक्राइब पार्ट बोला है 300, 200, 100, 40. इधर तो कुछ है ही नहीं. तो ई को तो पक्की बात है कि फाइनल अलॉटमेंट हो गए 20 सिक्योरिटीज ही मिलेंगी. ई को तो फाइनल अलॉटमेंट हो गए 20 सिक्योरिटीज ही मिलेंगी. आपने बोला कि सर ये जो रिमेनिंग है ना, इनको प्रोराटा बेसिस पे अलॉट करना है, इनको प्रोराटा बेसिस पे अलॉट करना है. लिख लो यहां तक. अब खेल ऊपर वाला आने वाला है. अब देखो प्रोराटा करने का कितना सिंपल काम है. सर जितनी अवेलेबल सिक्योरिटीज हैं अगेंस्ट जितना ओवर सब्सक्राइब है उसको प्रोराटा बोलते हैं. जितनी अवेलेबल सिक्योरिटीज हैं अगेंस्ट जितना प्रोराटा है. सही बात है ना, ये तो करोगे. तो सर ओवर सब्सक्राइब कितना है, आप मुझे बताओ ओवर सब्सक्राइब कितना है. आपने कहा सर ओवर सब्सक्राइब है 1,40,00,000. ठीक है, इतना ही है ना, 1,40,00,000. अच्छा 1,40,00,000 में से कितना अपन दे चुके हैं ऑलरेडी, 1,40,00,000 में से कितना अपन दे चुके हैं ऑलरेडी. आपने सर 20,00,000 तो अपन दे चुके हैं. बहुत ही सिंपल. अच्छा इसको डिवाइड करते हैं. कितने अपने पास शेयर्स थे, आपने कहा सर 35,00,000 शेयर्स थे. अच्छा कितने अपन इसमें से दे चुके हैं, मतलब और कितने दे पाएंगे. तो आपने बोला सर इसमें से 20,00,000 दे चुके हैं. तो अब आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारे पास 1,20,00,000 एप्लीकेशंस हैं, जिसके लिए हमारे पास देने के लिए क्या है, 15,00,000 शेयर्स हैं. फॉर 120,00,000 एप्लीकेशंस आई हैव 15,00,000 शेयर्स टू ऑफर. कितना रहे, एट. For every 8 shares asked, I have 1 share to give. For every 8 shares asked, I have 1 share to give. सही बात है. सर अभी इसने 20 shares तो ऑलरेडी ले चुका है. अब इसकी ओवर सब्सक्राइब की डिमांड कितनी है, 300 है. सर 300 जब इसने मांगा तो अपन को कुछ भी नहीं करने का है. सर 300 डिवाइड बाय 8 कर दो, 37.5. अच्छा ये एक बार आपने निकाल लिया रेशो, अब अपने को रेशो निकालना नहीं, अब तो अपने को डायरेक्ट बस एडिशन ही करने ना. अब आपके पास रेशो है 8, डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 8 करना. एक बार वर्किंग नोट में दिखा देना नीचे, उसके बाद डिवाइड बाय 8 करते चलना सब में. चलो प्रोराटा में करके देखते हैं कितना आ रहा है. सर प्रोराटा जब मैंने किया, यार देखना बहुत ही मस्त चीज बता रहा हूं. प्रोराटा जब मैंने किया तो मैंने बोला भाई 300 शेयर्स आप मांग रहे हो, सही बात है, डिवाइड बाय 8. सर जब मैंने इसको किया ना तो ये आ रहा है 37.5. मैंने क्या कहा था, 0.5 एंड अबव को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब कि दिस वुड कम एज 38. सो फॉर ए इट वुड बी 38. ठीक है, 200 वाले को कितना देंगे. सर 200 वाले को भी अपन सेम करेंगे, 200 डिवाइड बाय 8. सर 25 आ रहा है, लिख लो भैया. अच्छा सर तीसरा क्या है, सर इसके केस में 100 एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज आ रही है, 100 डिवाइड बाय 8 कर दो. सर 12.5, इसको 13 दे देते हैं. सर फोर्थ वाले में क्या है भैया, ये सर 40 सिक्योरिटीज मांग रहा है. सर 5 आ रही है, इसको एक्स्ट्रा दे दो,
और सर ई तो कुछ मांग ही नहीं रहा, तो इसको जीरो देंगे। अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछूं तो टोटल टोटल कितनी कितनी सिक्योरिटीज मिलेंगी, टोटल टोटल कितनी कितनी सिक्योरिटीज मिलेंगी, तो आपने बोला सर 20 तो मिनिमम मिली प्लस 38 एक्स्ट्रा, मतलब ए को 58 सिक्योरिटीज मिलेंगी, बी को सर 20 तो मिनिमम मिली और यहां पे 25 मतलब 45 सिक्योरिटीज मिलेंगी, सर सी को 20 तो मिनिमम मिली और 13 एक्स्ट्रा मिली मतलब प्रोपोर्शनल बेसिस में मिली 33, सर डी को 20 तो नॉर्मल मिली और साथ साथ में 5 मिली इधर तो 25, सर ई को तो सिर्फ 20 अप्लाई किया था उसको 20 मिली। सो सर ये हमारा आंसर आ रहा है 58, 45, 33, 25, 20, वेरी सिंपल सर। देखो क्या तुम्हारे यहां भी यही आंसर आ रहा है सर, 20 प्लस 38, 20 प्लस 25, 20 प्लस 13, 20 प्लस 5 एंड 20 सिक्योरिटीज। एलो सर हो गया, क्वेश्चन ही खत्म। सो इफ यू सी ये जो इतना सारे लुड़दड़ दिया ना, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, वेरी सिंपल, ओवर सब्सक्राइब डिवाइड बाय अवेलेबल, जितना ओवर सब्सक्राइब बचा है डिवाइड बाय जितना अवेलेबल बचा है, खत्म। ये होता है क्वेश्चन, यही आएगा, लिख लो तुम मेरे से यही क्वेश्चन आना है। अब लोग पता नहीं इसे क्यों फेयर करते हैं, मुझे नहीं समझ आता कि इसमें इतना क्या फेयरफुल था। अच्छा आगे बढ़ते हैं, सो आई थिंक वी आर डन विद दिस इज वेल। अच्छा बाय लॉट बाय लक मैंने आपको बता दी बात, ठीक है। अच्छा अब सेकेंड है, बहुत ही अच्छा सेकंड, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, मतलब एक्चुअली अब इसके अंदर क्या है ना, इसमें आपको कुछ भी नहीं निकालना है, इसमें अंदर आपको क्या हो गया ना, इस बार पिछले वाले केस में तो क्या हुआ था, अपन सबको अलॉटमेंट कर पाए, ओवर सब्सक्राइब भी था पर अपन अलॉटमेंट सबको करके आए क्योंकि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कम थे। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ज्यादा है, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ज्यादा है, यस। अब देखो बाकी सब कुछ सेम है भैया, टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज 600 ही है, 600 रुपए पर शेयर है, 1 करोड़ सिक्योरिटीज है, आरआईआई को 35 लाख में दिया है, इशू ओवरऑल 7 टाइम सब्सक्राइब्ड है, इशू ओवरऑल ठीक है, मेरे को 10 मिनट में वापस याद दिलाना, 10 मिनट में, द इशू इज ओवरऑल 7 टाइम सब्सक्राइब, जबकि आरआईआई कैटेगरी इज ओवर सब्सक्राइब बाय 9.37 टाइम्स, आरआईआई कैटेगरी इज 9.37, तो लिख लेते भैया दैट भैया 35 लाख हम पास शेयर्स थे एंड दिस हैज बीन सब्सक्राइब 9.37 टाइम ओवर सब्सक्राइब, इनटू कर लोगे आपको आपका आंसर आ जाएगा। तो अब ये मैं जबरदस्ती बैठ के कर नहीं रहा, इट्स प्रीटी सिंपल, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, द इशूअर हैज डिसाइडेड मिनिमम बिड साइज कितना है 20, जो कि 10 से 12 मतलब वो 10 से 15 वाला पढ़ रहा है सेम है, अ टोटल 2 लाख रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ओ ओ ओ। अब सर एक बात बताओ, अगर 2 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और सबको एक एक लॉट दिया, मतलब सर 20 एक लॉट में और 2 लाख हैं, 20 एक लॉट में और 2 लाख इन्वेस्टर्स हैं, तो सर ये तो 40 लाख सिक्योरिटीज हो गई, इतनी तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो सिक्योरिटीज ही 35 लाख है, मतलब यहाँ प्रोराटा तो करना ही नहीं है, यहाँ तो प्रोराटा करना ही नहीं है, यहाँ दिक्कत ये है कि अपने को एक डिजिट पे आना है जहां पे अपन सबको एक एक लॉट दे पाए, मतलब इतने इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट कर पाएंगे जहां पे एक एक लोग को एक एक लॉट मिल जाए, प्रोराटा का तो सवाल ही नहीं आ रहा क्योंकि इन्वेस्टर्स ही बहुत ज्यादा हो गए। एज पर द अलॉटमेंट प्रोसीजर द अलॉटमेंट टू आर आई शेल नॉट बी लेस देन 1 लॉट। नाउ अच्छा देखो इन लोगों ने इस पे सोल्यूशन ही दे दिया है आपको, अपने को वैसे निकालना था, सिंस द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ आर आई आर 35 लाख एंड द मिनिमम लॉट इज 20 शेयर्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु कैन बी अलॉटेड इन दिस लॉट शुड बी 1,75,000। आपने क्या बोला कि सर आप एक बात समझना, मेरे पास 35 लाख शेयर्स हैं, लेने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं इतने सारे लोग, 2 लाख लोग आ गए, तो सर बहुत ही सिंपल है ना, मतलब सर आप मुझे बताओ मैं कैसे मोर देन 1,75,000 को कैटर करूंगा, कैसे मोर देन 1,75,000 को कैटर करूंगा। अब देखो आपके कैलकुलेटर में डालो 35 लाख, सर 35 लाख डाला, डिवाइड करो उसको 20 से, 35 लाख को डिवाइड करो 20 से, बिकॉज आपके पास 35 लाख शेयर्स हैं और एक लॉट बनाने के लिए 20 शेयर्स लगते हैं। सर हमने जब इसको किया तो आया 1,75,000, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर हम लोग 1,75,000 इन्वेस्टर्स को ही केटर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, 1,75,000। अच्छा देखो अगर 1,75,000 इन्वेस्टर्स को केटर करोगे, अपने कैलकुलेटर में लिखो 1,75,1,000, 1,75,000, एक एक को कितने शेयर्स देने, 20 देने, करो इंटू 20 से आगे 35 लाख, आगे 35 लाख, सो
ये क्या कह रहा है कि हम तो 1,75,000 इन्वेस्टर्स को कैटर कर पाएंगे. सो हाउ डू यू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स यू गिव? यू कैलकुलेट इट बाय डिवाइडिंग द टोटल शेयर्स डिवाइड बाय शेयर्स इन वन लॉट. शेयर्स इन वन लॉट खत्म. अच्छा आ गया. तो अब सर हम क्या कर सकते हैं? सर एप्लीकेशंस कितनी हैं? 200,000 हैं. सर देना कितनों को है? 1,75,000 को. सर कितनों को रिफ्यूज करना है? 25,000 को रिफ्यूज करना है. 25,000 को रिफ्यूज करना है सर. 25,000 को रिफ्यूज करना है. अब सर हमारे पास कैटेगरी है जिन इसमें से सर कुछ लोग हैं जिन लोगों ने नंबर ऑफ शेयर्स ईच लॉट में 20 हैं. अब इसमें किसी ने 10,000 इन्वेस्टर्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे 10,000 हैं, थर्ड कैटेगरी में 10,000 हैं, इसमें 10,000, इसमें 20, 20, 20, 20, ऐसे करके हमारे पास 200,000 इन्वेस्टर्स बने. मतलब अलग अलग बिड कैटेगरी में जिन लोगों ने एक लॉट अप्लाई किया है वो इतने, जिन लोगों ने दो लॉट अप्लाई किए हैं वहाँ इतने शेयर हैं, जिन लोगों ने तीन लॉट किया है वहाँ पे इतने इन्वेस्टर, जिन लोगों ने चार किया है वहाँ पे इतने, जिन लोगों ने 11 किया है वहाँ पे इतने लोग, जिन लोगों ने 14 लॉट अप्लाई किए वहाँ पे इतने इन्वेस्टर्स हैं. तो इन लोगों ने आपको लिस्ट दी है. अच्छा एक लॉट खरीदा तो 20 शेयर आएंगे, दो लॉट मांगा तो 40, 3, 60, 4, 80, 5. तो अगर आप देखोगे तो यहाँ कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इनटू 20, 20, 20 बताया कि जिन लोगों ने जितने शेयर्स मांगे. आगे है कि कितने इन्वेस्टर्स एक एक कैटेगरी के अंदर है. ऐसे कितने इन्वेस्टर जो एक लॉट में इतने थे, ऐसे कितने जो दो लॉट में इतने थे, ऐसे कितने जो तीन लॉट में इतने थे. और ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, इसमें अपने को भी कुछ काम नहीं करना है. अब समझना मेरी बात. अब एक काम करो, अपने कैलकुलेटर में डालो 1,75,000, डिवाइड करो उसको 200,000 से. तो सर ये आ रहा है 0.875. सर 1,75,000 मुझे 200,000 लोगों में देने हैं तो मेरे को 0.875, मतलब फॉर एवरी वन शेयर आस्ट आई कैन गिव यू 0.875 शेयर्स. फॉर एवरी वन शेयर आस्ट आई कैन गिव यू 0.875 शेयर्स. ठीक है. अब ये अच्छा सॉरी, फॉर एवरी वन इन्वेस्टर आई कैन गिव ओनली 2.875. ऐसे ही हो रहा है ना, मतलब मेरे पास सबको तो शेयर्स देने नहीं, मैं 0.875 लोगों को अलॉट कर सकता हूँ. तो इसने क्या बोला, अब क्या करो आप, क्या करो आप 1,75,000 को, ये इन्वेस्टर्स हैं 1,75,000 जिनको अपन केटर कर सकते हैं, डिवाइड बाय मांग कितने लोग रहे, 200,000 लोग मांग रहे हैं. तो आपके पास रेशो है 0.875. अब देखो कैटेगरी वन में कितने इन्वेस्टर्स हैं, 10,000. तो 10,000 को इनटू कर दो इससे, तो सर आ रहा है 8,750 इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट करना है. तो लॉट वन में हम 8,750 को करेंगे. ठीक है सर. लॉट टू में भी 10,000 एप्लीकेंट है तो यहाँ पे भी 8,750 को अलॉट करेंगे. सर लॉट थ्री में 10,000 है तो यहाँ पे भी 8,750 को अलॉट करेंगे. सर लॉट फोर में भी 10,000 है तो यहाँ पे भी 8,750 को करेंगे. लॉट फाइव में 20,000 लोगों ने अलॉटमेंट मांगा है. तो सर 20,000 लोगों के लिए क्या करना है? अरे यार एक सेकेंड, अपन ने पहले 0.875 निकाला है ना, निकालो 0.875 उसको इंटू कर दो 20,000 से. अब 20,000 से इंटू किया तो 17,500. सर 17,500. सर लॉट सिक्स में भी 20,000 लोगों ने मांगा है, 17,500. सर लॉट सेवन में 15,000. अब 0.875 निकाला था ना, इंटू करो 15,000, 13,125. बस ये ऐसे जब आप अलॉटमेंट करोगे तो एंड में आपका टोटल आएगा 1,75,000. तो आपने अपना इन्वेस्टर सिलेक्शन ऐसे करना है. सर इसमें कौन से 8,750 लोग होंगे जिनको अलॉटमेंट होगा? लॉट 8,750 कौन? लॉट. ऊपर में अपने लॉट वो लॉटरी निकाली क्या? नहीं, क्योंकि यहां पे सबको अलॉटमेंट था. लॉटरी कब निकलती है? जब ऐसे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ऊपर आ जाते हैं. बोलो भैया क्या डाउट आ गया आप लोगों को यार इसके अंदर? सो आई डोंट सी कि इसके अंदर भी कोई इतना बड़ा बहुत डाउट था. यस दिस इज डन. ठीक है. अब इसके बाद जो मुझे दिखा था वो आपका क्वेश्चन दिख रहा था 44 और 45. अच्छा देखो अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं दिखेगा आईसीडीआर के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में. नहीं आएगा था. एक क्वेश्चन और करा देता हूं. So it will be pretty simple for you guys then. Yes, sir, this looks fine to me. यहाँ कोई question नहीं है. अच्छा ना, ये एक right issue पे कभी कभी question आ जाता था कि आप value of rights calculate कैसे करते हो. मेरे को नहीं लगता कि अपने इसमें अभी इतना छुज्जड़ क्वेश्चन देंगे कि वैल्यू ऑफ राइट्स कैसे कैलकुलेट करते हो. अब समझना एक सेकंड.
कभी भी अगर वैल्यू ऑफ राइट्स कैलकुलेट, आपने अपने सिक्योरिटी लॉज में ही पहले कभी पढ़ा होगा। अब है ना, एक वैल्यू ऑफ राइट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन? आप अपनी वैल्यू ऑफ राइट्स कैसे कैलकुलेट कर, अब ये क्या बोलते हैं ना भाई, देखो हमारी ऑफर प्राइस इतनी है, हमारी ऑफर प्राइस इतनी है, लेट्स से आपकी ऑफर प्राइस है 12, लेट्स से आपकी ऑफर प्राइस है 12, मार्केट प्राइस चल रही है 20, मार्केट प्राइस चल रही है 20, ठीक है, ऑफर प्राइस बताएंगे आपको 12 है, मार्केट प्राइस बताएंगे 20, और साथ में लिख देंगे फेस वैल्यू है इसकी 10। हमेशा याद रखना, अगर कभी भी वो लोग आपको राइट इशू का क्वेश्चन देते हैं, अगर वो आपको राइट इशू का क्वेश्चन देते हैं, आराम से रहना, श्योर रहना, राइट इशू में फेस वैल्यू का कोई काम नहीं होता, कभी भी फेस वैल्यू का कोई काम नहीं होता है, इसको रट के रखना इस बात को, ठीक है। अभी आपको बोल रहा है दैट द कंपनी इज ऑफर्ड कि दोज हु हैव वन शेयर, दोज हु हैव, एक काम करो, हाँ चलो, दोज हु हैव वन शेयर दे बीन अलाउड टू अप्लाई फॉर 3 shares, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट्स। ले भाई, अभी वैल्यू ऑफ राइट्स कैसे कैलकुलेट करनी, बहुत ही सिंपल है। देखो इसने बोला है फॉर एवरी वन शेयर यू कैन अप्लाई फॉर 3 shares। अच्छा, अब मान लो वो ऐसा भी बोल सकता है दैट एक्स इज अ पर्सन हु हैज राइट नाउ 10 shares ऑफ द कंपनी, कैलकुलेट हिज वैल्यू ऑफ राइट्स। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, वो ऐसा भी बोल सकता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट्स, और ये बोल देगा एक्स है भाई जिसके पास 10 shares हैं। अब देखो, फॉर एवरी वन शेयर यू आर अलाउड टू टेक 3 shares, सो इफ यू हैव 10 shares, अब आप इंटू 3 कर दोगे उसको, तो आप 30 shares ले सकते हो। सो नाउ एक्स इज एलिजिबल टू टेक 30 shares, एक्स इज एलिजिबल टू टेक 30 shares, ये पहला बात तो एकदम क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। अब देखो, जब एक्स इज अलाउड टू टेक 30 shares, तो ये क्या बोल रहा है, ये वैल्यू ऑफ राइट्स नहीं है। अब इस पे बेनिफिट क्या हो रहा है वो देखना है। सर, अगर आज एक्स ने शेयर्स मार्केट से खरीदे होते, सो मार्केट प्राइस माइनस द ऑफर प्राइस, सो मार्केट प्राइस इज 20 माइनस द ऑफर प्राइस इज 12, यानी कि मुझे 8 rupees पर शेयर बेनिफिट है, 8 rupees पर शेयर बेनिफिट है, और मैं कितने शेयर्स खरीद सकता हूं, 30 shares, सो वैल्यू ऑफ राइट्स लिखना है इसको, वैल्यू ऑफ राइट्स 30 into 8। सर, एक्स का जो वैल्यू ऑफ राइट्स है वो है 30 into 8, 240 सर, तो उसको 240 rupees के वैल्यू ऑफ राइट्स मिले। तो पहले आपने क्या किया, कितने शेयर्स उसको मिल रहे हैं वो कैलकुलेट करते हो, और सेकंड मार्केट प्राइस माइनस ऑफर प्राइस, ये आता है आपका पर शेयर का बेनिफिट, और उन दोनों को इनटू कर देते हो, तो आपको मिल जाता है 240। खत्म, पैक, समाप्त, जबरदस्त, ठीक है भैया, ये भी हो गया अपना एकदम डाउट क्लियर। चलो, बहुत ही बढ़िया, वैल्यू ऑफ राइट्स इज डन। वैल्यू ऑफ राइट्स पे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं, बट देयर इज यू नो रेयर चांस कि वो इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछें आपसे, बट वी आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क। अच्छा, ऑफर प्राइस को लोग एक्स राइट प्राइस भी लिखते हैं, ठीक है ना, ऑफर प्राइस को एक्स राइट प्राइस भी लिखते हैं, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना उसके अंदर। ठीक है, मुझे और कुछ दिख तो नहीं रहा है। उई, प्राइसिंग, लो भाई लास्ट चीज है इस लेक्चर की, एंड वी स्टॉप। मेजर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए आप लोगों ने, एलिजिबिलिटी कंडीशन सीख ली आपने, लॉट अलॉटमेंट सीख लिया आरआई कैटेगरी का, आप लोगों ने राइट इश्यूज सीख लिए, अब फोर्थ आप लोग अभी सीखने जा रहे हो प्राइसिंग का, बहुत ही सिंपल, ये तो मैंने आपको सिखाया हुआ है एक्चुअली प्राइसिंग, और उसके बाद आप लोग लास्ट, अच्छा मतलब यहाँ पे अपन लोग, आई वॉन्टेड टू कवर एक प्राइसिंग के बाद
एक डे काउंट कन्वेंशन जो मैंने आपको चैप्टर 6 में सिखाया है ऑलरेडी, बट वो अपन जो पार्ट 2 ऑफ द वीडियो बनाएंगे उसके अंदर मैं वो करवा दूंगा. तो दिस वुड बी अ लास्ट डिस्कशन एंड उसके बाद अपन पार्ट 2 के अंदर वील डू द अदर साइड एज वेल. इट शुड टेक अस 1-1.5 आवर मोर टू फिनिश अप एवरीथिंग. उसमें टंडन कमेटी, नायक चोर कमेटी सब करवा दूंगा आपको. अब देखना, बहुत ही सिंपल है यार. अब है ना, दो चीजें होती है. आपको ये प्राइसिंग सिखा रहा है. अच्छा देखो, जब भी आप प्राइसिंग की बात कर रहे हो ना, आप प्राइसिंग इन एफपीओ की बात कर रहे हो. आप ये प्राइसिंग इन एफपीओ की बात कर रहा है. प्रैक्टिकल क्वेश्चन एफपीओ पे आता है, ठीक है. अब प्राइसिंग इन एफपीओ में ये क्या बोल रहा है, सुनना बहुत, समझना एकदम दिल में उतर की बात. ये वैसे मैंने आपको आईसीडीआर पढ़ाते वक्त पढ़ाया था, तो ये मत बोलना कि तुमको नहीं आता. ये तो मैंने प्रैक्टिकली करवाया था तुमको. अब देखो ये क्या बोलता है. देखो दो कैटेगरीज होती हैं, दो कैटेगरीज होती हैं. एक होता है जहां पे आप लोग बोलते हो दैट इट इज फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड. तो इन द इक्विटी शेयर्स आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर पीरियड ऑफ 26 वीक्स और मोर, ठीक है. तो ये दो कैटेगरीज आई. इफ यू आर अ लिस्टेड कंपनी, इफ यू आर अ लिस्टेड कंपनी लिस्टेड फॉर मोर देन 26 वीक्स, और दूसरा है दैट इफ यू आर लिस्टेड फॉर लेस देन 26 वीक्स. खत्म, बस इतना सही था. मतलब खत्म है इन सेंस कि अब स्टार्ट होता है कंसेप्ट, बट इतनी सी बात है. अब देखो इसने क्या बोला ना, अगर आप 26 वीक्स पे हो तो आपकी जो आप एफपीओ कर रहे हो उसकी प्राइस शुड बी हायर ऑफ द फॉलोइंग. अब इन दो में से अपने को एक लेनी. आप निकालोगे वॉल्यूम वेटेड, अच्छा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. अच्छा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस दी जाती है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस दी जाएगी ऑफ द प्रीसीडिंग 26 वीक्स. अब इसमें आपको हर वीक का, फॉर एवरी वीक का एवरेज ऑफ हाई एंड लो निकालना है. फॉर एवरी वीक आपको एवरेज ऑफ हाई एंड लो निकालना है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का लास्ट 26 वीक्स के. और आप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लोगे ऑफ द प्रीसीडिंग 2 वीक्स ऑफ द रेलेवेंट डेट और उन पिछले 2 हफ्तों के एवरी वीक का हाई एंड लो, हाई एंड लो का एवरेज निकालोगे. तो यहां पे आपके पास एक प्राइस आएगी, यहां पे एक प्राइस आएगी, और फिर आपके पास यहां पे एक प्राइस आएगी. सही बात है. एवरेज ऑफ द 2 वीक्स, उन दोनों का एवरेज निकालोगे, आपके पास यहां एक प्राइस आएगी. इन दोनों में से विच एवर इज हायर, इन दोनों में से विच एवर इज हायर बिकम्स योर मिनिमम प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स. अब अगर आपको याद हो, लेट्स डू इट इन द मॉड्यूल ओनली, डायरेक्ट दिख जाएगा आपको समझ में. अच्छा देखो एक सेकंड, आप ये आपके मॉड्यूल में इतना बड़ा बड़ा दे रखा है, बट याद रखना दे वुड नेवर गिव यू 26 वीक्स का कैलकुलेशन. द इंस्टीट्यूट डजंट वांट टू नो दैट आप कैलकुलेशन कितनी अच्छी करते हो. द इंस्टीट्यूट वांट्स टू नो दैट डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट. दैट्स व्हाट देयर क्वेश्चन इज. सो 26 वीक की प्राइस वो ऑलरेडी देंगे आपको. वो आपको बोलेंगे 2 वीक्स का एवरेज निकाल के दिखाओ. 26 का वो ऑलरेडी देंगे, वो बोलेंगे 2 का एवरेज निकाल के दिखाओ और बताओ कि ये सही है कि नहीं है. अब देखना, लेट्स टॉक अबाउट. देखो पहले देख लो, if the equity shares of the issuer has been listed on a recognized stock exchange for a period of 26 weeks or more as on the relevant date, the equity share shall be allotted with a price of not less than higher of the following. Kam se kam in dono ke mein se jo bhi higher aa raha hai utte pe to karna hi hai. The average of the weekly high and low of the volume weighted average price di hui hai. Dekh lo, volume weighted average price di jaati hai of the equity shares quoted on the RSEs during the 26 weeks preceding the relevant date. Relevant date se 26 weeks piche chale jao aur har hafte ka week 1, week 2, week 3, week 4 ka aapko, acha week 1, week 2, week 3 kaise calculate karenge. Week 1 usme aayega Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Obviously Saturday, Sunday nahi aayega because markets are closed. So har week ka aapko Monday to Friday ka volume weighted average price diya gaya hai. Aapko iska highest aur lowest ka average nikalna hai. Aapko iske highest aur lowest ka average nikalna hai. Dekho samjhata hu. दूसरा क्या करना है, द एवरेज ऑफ द वीकली हाई एंड लो ऑफ द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइसेस ऑफ द इक्विटी शेयर्स कोटेड ऑन द आरएसईज ड्यूरिंग द 2 वीक्स प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट. 2 हफ्ते का निकालना है. मैं आपको लिखित में दे रहा हूं, 26 हफ्ते नहीं करवाते, कैलकुलेटर का पेपर भर जाएगा. पेपर में 26 हफ्ते का डेटा कहां से देंगे, पूरा पेपर ही भर जाएगा, नहीं हो सकता. 26 हफ्ते नहीं आएगा, 2 हफ्ते ही आता है. 26 हफ्ते का आपको डायरेक्ट एवरेज दिया जाएगा. अपन 26 हफ्ते का देख लेते हैं तो आपको याद रहेगा 2 हफ्ते कैसे निकालना है. तो भैया ये आपका फर्स्ट वीक है, 21, 22, 25, 26, 27,
ठीक है, एक छुट्टी बीच में। अब देखना फर्स्ट वीक में 414, 411, 388, 389, 387 सर हाईएस्ट क्या है? सर 414 देख लो, इसने वॉल्यूम वेटेड का हाईएस्ट उठा है 414। सर लोवेस्ट क्या है? सर लोवेस्ट आ रहा है 387.91 मिनिमम उठा है 387। इन दोनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 किया, 401.095 एवरेज आया। ये फर्स्ट वीक का एवरेज है। वीक टू में सर हाईएस्ट क्या है? 396.88 सर हाईएस्ट है। सर लोवेस्ट क्या है? 384.13 लोवेस्ट है। दोनों का करके एवरेज 390.505। ऐसे ही करके उन्होंने तीसरे वीक, चौथे वीक, पांचवे, छठे, सत्ते, अठारह, ये आ गए आपके 26वें हफ्ते तक। अच्छा, अब ये सारे हफ्तों तक का एवरेज ले लिया, ये आ गया। अब ये आपके पास 26 वीक्स में इंडिविजुअल वीक्स का एवरेज है। अब इन सब का आप एवरेज निकालते हो। इन जो 26 अपन ने एवरेज निकाला, हाई लो हाई लो हाई लो, एवरेज 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 एवरेज, इन सब का एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज ऑफ द 26 वीक्स ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आ रहा है 381.6192। तो ये आपका 26 वीक के हिसाब से आपकी प्राइस 381.61 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 381.61 से नीचे नहीं होनी चाहिए, आगे के आप छोड़ सकते हो। अच्छा, दो वीक्स का एवरेज निकाला तो खाली मार्च मार्च में निकाल लेते हैं। तो भाई 340, 364, 370, 360, 350 से 370 हाईएस्ट है। सर लोवेस्ट आ रहा है 340.38 एवरेज आया 355। सर सेकंड वीक में निकालते हैं 350, 342, 337, 345, 350 हाईएस्ट है, सर 337 लोवेस्ट है, एवरेज निकाला 343। सर इन दोनों का एवरेज निकाला तो आ रहा है, आपको चाहिए तो इन दोनों, अब देखो 2 वीक्स का एवरेज निकालना कितना इजी लगता है अपने को। अब 26 हफ्ते में कौन बैठ के जोड़ेगा, पागल थोड़ी हम। देखो 355.265 प्लस 343.955, एक तो यार मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, गरीबी की हद देख रहे हो मेरी। आ गया इन दोनों का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का भी। अब सर 2 वीक्स का जो एवरेज निकाला वो आ रहा है 349 और ऊपर आ रहा है 381.61, ये तो ऑब्वियसली कौन सा वाला, 26 वीक वाला एवरेज वुड बी टेकन। सो सिंस द हायर ऑफ द थ्रू इज 381, दिस वुड बी द प्राइस जो प्रेफरेंशियल इशू में आपको कम से कम करनी ही पड़ेगी। जब आप प्रेफरेंशियल इशू करने जा रहे हो, कम से कम इतना तो आपको प्राइस रखना ही पड़ेगा। आई थिंक फर्स्ट इज वेरी क्लियर। अब सुनना, सेकेंड कंडीशन में तो कुछ सीखने के लिए है ही नहीं, सेकेंड कंडीशन में तो कुछ सीखने के लिए है ही नहीं, दिस इज डन। सेकेंड में क्या बोल रहा है, अगर आप 26 हफ्ते से कम लिस्टेड हो तो क्या करो, ए जो प्राइस आपने अपने आईपीओ में रखी थी, जो प्राइस आपने अपने आईपीओ में रखी थी अब वो प्राइस उठा लो, जो प्राइस आपने अपने आईपीओ में रखी थी अब वो प्राइस उठा लो। और बी, सर 26 हफ्ते से कम होना पर 20 हफ्ते, 21 हफ्ते, 23 हफ्ते, 19 हफ्ते, 18, 17, 15, कुछ कितने टाइम से तो लिस्टेड हो गए ना, कुछ तो टाइम से लिस्टेड हो गए ना, तो जितने भी वीक्स पे हो, वट एवर वीक्स यू हैव बीन लिस्टेड फ्रॉम द रेलेवेंट डेट, उन सब पे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकाल लो। मतलब 26 की जगह अगर आप 5 हफ्ते ही लिस्टेड हो तो 5 हफ्ते का निकाल लो, खत्म। आप उसका निकाल लो, सेम वैसी एवरेज हाई एंड लो, सेम वैसी एवरेज हाई एंड लो। और सी, 2 वीक्स का एवरेज निकाल लो, 2 वीक्स का एवरेज निकाल लो, वही वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, 2 वीक्स का निकालो। अब इन तीनों में से वट एवर इज द हाईएस्ट वो कर दो, खत्म, लिख के रख लो यार, यारो लिख लो। आई थिंक आई एम डन, ये एक मिनट देख लो, अपन रीड कर लेते हैं एंड वे डन। यस, अब इसके बाद एक लेक्चर और आएगा एक सवा घंटे का, इन विच वी वुड फिनिश एंड सी द अदर रेलिवेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं। एंड यारो, अच्छा इसके ऊपर कुछ भी और आ सकता है, आई एम अभी भी सेइंग देयर कैन बी एनीथिंग व्हिच कैन बी कमिंग इन द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दिस इज माय अजम्पशन कि यही आना चाहिए, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन बनता है, आप सबको बताए बात। सो वी बोथ आर इनटू यू नो दिस प्रोफेशनल साइड, कब से आप जानते हो इंस्टीट्यूट कैन डू एनीथिंग, ठीक है। अच्छा देख लो, अब इनफ्रीक्वेंटली ट्रेड देख लेते हैं, लिस्टेड फॉर लेस देन 26, द प्राइस एट विच द इक्विटी शेयर्स वर इशूड बाय द इशूअर इन द आईपीओ, ठीक है, द एवरेज ऑफ द वीकली हाई एंड लो ऑफ द वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स कोटेड ऑन द आरएससीज फॉर ड्यूरिंग द पीरियड शेयर्स हैव बीन लिस्टेड इन द प्रीसीडिंग रिलेवेंट डेट, मतलब 26 हफ्ते से कम है तो जितने हफ्ते हैं सबका ही कैलकुलेट कर दो। थर्ड, द एवरेज ऑफ द वीकली हाई एंड लो ऑफ द इक्विटी शेयर्स इन द प्रीसीडिंग 2 वीक्स,
सो वेदर प्राइस ऑफ द इक्विटी इज डिटरमाइंड इन पॉइंट नंबर टू मतलब लेस देन 26 वीक्स सच प्राइस शैल बी कंप्यूटेड बाय द इश्यूअर ऑन कंप्लीशन ऑफ 26 वीक्स. तो यहां पे आपको प्रैक्टिकल नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है. तो बस इसके अंदर क्या करना था, इन तीनों में से जो हाईएस्ट आया वो ले लेने का. आईपीओ में जो प्राइस रखी थी, जितने वीक से लिस्टेड हो उसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस और दो वीक्स के एवरेज का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, खत्म. दिस इज इट हाउ यू डू योर प्राइसिंग. एंड विद दिस वी कम डाउन टू एन एंड टू योर ICDR, ऑल द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. अगर आप देखें मैंने इसके अंदर आपको क्या क्या सिखाया, मैंने आपको प्राइसिंग सिखा दी, मैंने आपको वैल्यू ऑफ राइट सिखा दिया, मैंने आप लोगों को और क्या सिखा दिया, डे काउंट कन्वेंशन नहीं सिखाया ना अभी तक, नहीं वो बाकी है. मैंने आपको बाय लॉटरी बाय आरआईआई कैटेगरी में अलॉटमेंट सिखा दिया, ठीक है आरआईआई का अलॉटमेंट हो गया, ठीक है मैनर ऑफ अलॉटमेंट सिखा दिया आपको, एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन सिखा दी, मैनर ऑफ अलॉटमेंट सिखा दिया, एंड आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस पे वो 3 करोड़ 15 करोड़ 1 करोड़ एलिजिबिलिटी कंडीशन सिखा दी. मेरे हिसाब से ICDR में इन जगहों पे क्वेश्चंस बनने चाहिए, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, निश्चिंत रहें आप, ठीक है. अगेन निश्चिंत रह सकते हैं बट बेफिक्र नहीं. So with this we come down to an end of a part one of numericals and one more part to come and we are done. Okay, आज के लेक्चर बैठने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. I have another lecture so I have to rush for the next lecture. लेक्चर बैठने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद जय महाराष्ट्र.